मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते के रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म कुरूप के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों दुलकर सलमान के फिल्म कुरूप, जो कि वैसे तो एक मलयालम फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को मलयालम के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया है। इस फिल्म का बजट है लगभग 25 करोड़ रुपये और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1350 स्क्रीन पर रिलीज किया था। कुरूप फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। बात करें फिल्म के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो कुरूप फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 11 करोड़ 30 लाख रुपए, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ 10 लाख रुपए, ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ 90 लाख रुपए। इसी के साथ कुरूप फिल्म का 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हुआ था 29 करोड़ रुपए का। बात की जाए फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो कुरूप फिल्म को तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली है, खास करके मलयालम और तमिल वर्सन में। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक कुरूप फिल्म अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 6.5 करोड़ रुपए। वही तीसरे दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 11 से 12 करोड़ की रेंज में आ रहा है। बता दो दोस्तों, कुरूप फिल्म सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। वही अगर बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सूर्यवंशी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त 2रा हफ्ता चल रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया था 137 करोड़ 85 लाख रुपए, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 162 करोड़ 23 लाख रुपए, ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन 45 करोड़ 64 लाख रुपए। यानी कि 9 दिनों के अंदर सूर्यवंशी फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन रहा था लगभग 208 करोड़ 29 लाख रुपए। बात की जाए सूर्यवंशी फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि 10वें दिन संडे होने की वजह से सूर्यवंशी फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सूर्यवंशी फिल्म को अपने 10वें दिन मॉर्निंग शोज में बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिली। आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में भी ये फिल्म बहुत सारी सिटी में तो पूरी तरह से हाउसफुल रही। तो जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक सूर्यवंशी फिल्म अपने 10वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 15 करोड़ रुपए। इसी के साथ सूर्यवंशी फिल्म का जो अब तक का टोटल कलेक्शन होता है वो इस तरह है, इंडिया नेट 153 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 188 करोड़ रुपए, ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन लगभग 46 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 234 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म 10 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 234 करोड़ रुपए का करके बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइस के बारे में, तो दोस्तों अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइस, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना है 17 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अभी तक पुष्पा फिल्म के 3 सॉन्ग रिलीज हुए हैं। पहला था जागो जागो बकरे, दूसरा था श्रीवल्ली और तीसरा था सामी सामी। हालांकि पुष्पा का जो 3rd सॉन्ग था सामी सामी, उसे हिंदी वर्जन में नहीं रिलीज किया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म के 2 सॉन्ग्स को लेकर और अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें पुष्पा के 4th सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों पुष्पा का 4th सॉन्ग जो होने वाला है उसका नाम है ये है मेरा अड्डा, और इस सॉन्ग को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है 19 नवंबर को। वही दोस्तों पुष्पा के 5वें सॉन्ग को लेकर जो अपडेट आई है वो इस तरह है कि पुष्पा फिल्म में जो 5वां सॉन्ग होगा वो एक आइटम सॉन्ग होने वाला है और इस सॉन्ग में अल्लू अर्जुन के साथ हमें सामंथा अक्किनेनी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है सॉन्ग की शूटिंग अगले हफ्ते से अन्नपूर्णा स्टूडियो में की जाएगी और ये सॉन्ग शायद साउथ की सभी भाषाओं में रिलीज होगा, साथ ही साथ शायद हिंदी वर्जन में भी इस आइटम सॉन्ग को रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों पुष्पा फिल्म में यहाँ पर टोटल 5 सॉन्ग होने वाले हैं, जिसमें से 3 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं और 2 सॉन्ग आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है पुष्पा द राइस हिंदी वर्जन में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।